साउथ कश्मीर के पुलवामा इलाके से एक ग्रेनेड अटैक का मामला सामने आया है। आपको बताते चलें कि ये ग्रेनेड जो अटैक है ये पुलिस पार्टी के ऊपर किया गया है और इसमें खबर आ रही है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के दो जाबाज जवान इसमें इंजर्ड हुए हैं। हालांकि उनको जो नज़दीकी हॉस्पिटल है वहां पर उनको भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज वहां पर चल रहा है, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इलाके को कॉर्डन में लिया गया है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उन आतंकियों को ढूंढा जा रहा है जिन्होंने ये काराना हरकत की है। आपको बता दें कि कल देर रात भी एक एनकाउंटर जो था घाटी में चल रहा था और उसमें आज अर्ली मॉर्निंग एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, एक आतंकी को उसमें मार गिराया। कल मैंने आपको अपडेट दिया था शाम के समय और उसमें जो आईडी एक्सपर्ट्स थे उनको भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एलिमिनेट किया। कुल मिलाकर तीन जगहों पर एनकाउंटर हुआ लास्ट 48 आवर्स के अंदर और उसमें कामयाबी हाथ लगी, 4 से 5 आतंकियों को ढेर किया गया है। दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन का लेवल आतंकियों का इतना ज़्यादा है कि डर्टी माइंड है और इस तरह की डर्टी एक्टिविटीज़ वो करते हैं। अब कॉर्डन में इलाके को लिया गया है, सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और पुलिस पार्टी के ऊपर, नाका पार्टी के ऊपर ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का जो ग्रेनेड जो है वो दागा गया हो। इससे पहले भी कई सारे ग्रेनेड अटैक्स जो हैं वो किए गए हैं और उसके बाद जो अंजाम उन आतंकियों का किया है उनको जहन्नुम रवाना किया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। उम्मीद यही है कि इसके पीछे जो भी आतंकी हैं, जिस तंजीम के भी आतंकी हैं, उनको जल्द पकड़ा जाएगा और उनके साथ भी वही हशर किया जाएगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि ग्रेनेड वहां पर जब जाकर फटता है तो उसके स्प्लिंटर से इंजरीज आई हैं उन जाबाज पुलिस कर्मियों को जो तैनात हैं और उसके साथ साथ हॉस्पिटलाइज हैं। और अब स्पीडी रिकवरी के लिए एक बार फिर हम जम्मू परिवर्तन की पूरी टीम की तरफ से प्रार्थना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिश पड़ रही है और अगर हाई ऑल्टीट्यूड्स की तरफ जाएं तो बर्फबारी पड़ रही है। इसी बर्फबारी के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेज डटी हुई हैं, एनकाउंटर्स भी कर रही हैं, आतंकियों को गिरफ्तार भी कर रही हैं, आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ भी कर रही हैं। हम सैल्यूट करेंगे हमारी इंडियन आर्मी को, हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को, CRPF को। जय हिंद।